चाणक्य आईएएस एकेडमी करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं संसद के विशेष सत्र के बारे में, जो कि आज से ही यानी 18 सितंबर से शुरू हो रहा है। हम बात करेंगे कि विशेष सत्र कैसे बुलाया जाता है, इसके क्या प्रावधान होते हैं, विपक्ष का इसमें क्या रोल होता है और इसका पृष्ठभूमि क्या रही है, इन सभी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। इसमें संसद की 75 साल की यात्रा पर चर्चा होगी। साथ ही सरकार के एजेंडे में 4 विधेयक भी हैं जिन्हें वह पेश करेगी। हालांकि विपक्ष को आशंका है कि कुछ और बड़ा भी हो सकता है। इससे पहले 1962 की भारत चीन जंग समेत 11 मौके ऐसे आए हैं जिसमें संसद के विशेष सत्र बुलाए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 85 में संसदीय सत्र बुलाए जाने का जिक्र है। आम तौर पर संसद में 3 बार सेशन बुलाए जाने की परंपरा है। पहला है बजट सत्र, जनवरी के अंत में शुरू होकर अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक चलता है। दूसरा है मानसून सत्र, जुलाई में शुरू होकर अगस्त तक चलता है। फिर है शीतकालीन सत्र, जो नवंबर से दिसंबर तक आयोजित होता है। बाकी दूसरे सत्रों की तरह संसद का विशेष सत्र भी होता है। विशेष सत्र को बुलाने के मुद्दे पर भी अंतिम फैसला राष्ट्रपति ही लेते हैं। राष्ट्रपति यह फैसला केंद्र सरकार की सलाह पर लेते हैं, यानी विशेष सत्र बुलाने का फैसला केंद्र सरकार का ही होता है। इसमें राष्ट्रपति की भूमिका प्रतीकात्मक होती है। विशेष सत्र अक्सर किसी खास वजह से ही बुलाया जाता है। हालांकि रूल बुक में संसद के विशेष सत्र को लेकर किसी तरह का कोई जिक्र नहीं है। रूल बुक में केवल सीक्रेट सिटिंग के बारे में बताया गया है। बाहर दुनिया को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। संसद के अंदर बैठकर सदस्य सब कुछ तय करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं संसद के विशेष सत्र के प्रोसेस के बारे में। रेगुलर सेशन हो या विशेष सत्र, दोनों ही सत्र को बुलाने की प्रक्रिया एक जैसी ही होती है। सेशन बुलाने का अधिकार सरकार का होता है। सरकार ही ये तय करती है कि उसे सत्र कब बुलाना है। संसदीय कार्यों पर बनी कैबिनेट कमेटी प्रधानमंत्री की अगुवाई में विशेष सत्र बुलाने की तारीख तय करती है, एजेंडा तय करती है। इसके बाद स्पीकर को ये जानकारी दी जाती है। कैबिनेट कमेटी का ये फैसला राष्ट्रपति भवन भेजा जाता है। इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही स्पेशल सेशन बुलाए जाने का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। संसदीय कार्यों पर बनी इस कैबिनेट कमेटी में फिलहाल 10 मंत्री हैं, जिसमें रक्षा, गृह, वित्त, कृषि, जनजातीय मामले, संसदीय मामले और सूचना और प्रसारण मंत्री शामिल हैं। कानून मंत्री और विदेश राज्य मंत्री समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। अब हम बात करेंगे क्या विशेष सत्र सामान्य सत्र से अलग होते हैं। संविधान में विशेष सत्र जैसे शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति कभी भी सत्र बुला सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 85(2)(a) के अनुसार राष्ट्रपति संसद का सत्र कभी भी और कहीं भी बुला सकते हैं। यानी संसद की बैठक जरूरी नहीं है कि संसद भवन में ही हो या फिर किसी विशेष समय पर हो। संसद की बैठक कभी भी और संसद भवन के अलावा कहीं भी हो सकती है। यह प्रावधान युद्ध या प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थिति को ध्यान में रखकर किया गया है। इसके नियम बाकी सत्रों की तरह ही होते हैं। संविधान में प्रावधान है कि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता है। संविधान में विशेष सत्र का जिक्र नहीं है, लेकिन क्या विशेष बैठक को लेकर कोई प्रावधान है? तो संविधान के अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा में सदन की विशेष बैठक का उल्लेख है। संसद ने 1978 में 44वें संविधान संशोधन के जरिए विशेष बैठक से संबंधित भाग को जोड़ा है। इसका उद्देश्य देश में आपातकाल की घोषणा करने की सरकारी शक्ति को कंट्रोल करना था। इस प्रावधान के अनुसार यदि देश में आपातकाल की घोषणा की जाती है और संसद सत्र में नहीं है, तो लोकसभा के 1/10 सांसद मिलकर राष्ट्रपति से एक विशेष बैठक बुलाने के लिए कह सकते हैं। इस विशेष बैठक का मकसद आपातकाल को अस्वीकार करने का प्रस्ताव पारित करना होता है। क्या संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार एजेंडा बदल सकती है? आम तौर पर सांसदों को एजेंडा बताए बिना 15 दिन पहले सत्र शुरू होने की सूचना सांसदों को दी जाती है। सत्र किस वजह से बुलाया जा रहा है, इसके बारे में संसद सदस्यों को पता होना चाहिए। सरकार संसद की बैठक से 1 दिन पहले बुलेटिन जारी कर सत्र के एजेंडे की सूचना देती है। बैठक वाले दिन सुबह एजेंडे को बदला भी जा सकता है।
विशेष सत्र में सामान्य सत्र की तरह काम होगा या नहीं, इसका फैसला सरकार खुद करती है, यानी प्रश्नकाल या शून्यकाल होगा या नहीं। सत्र के दौरान किस सब्जेक्ट यानी विषय पर बात होगी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठकर इसे तय करती है। इसमें सभी राजनीतिक दलों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इस कमेटी के अध्यक्ष स्पीकर होते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या इस बार जो संसद के विशेष सत्र है उसमें सवाल पूछे जाएंगे या नहीं, विशेष सत्र में प्रश्नकाल होगा या नहीं, यह सदन के स्पीकर या अध्यक्ष तय करते हैं। आमतौर पर इस पर सरकार की सलाह पर फैसला लिया जाता है। 18 सितंबर से बुलाए गए विशेष सत्र को लेकर सरकार ने पहले ही बताया है कि इसमें ना तो शून्यकाल और ना ही प्राइवेट मेंबर बिल के लिए समय दिया जाएगा। ऐसे में सिर्फ सरकारी एजेंडे या उसकी ओर से पेश किए जाने वाले बिल से ही संबंधित काम होगा। अगर हम बात करें कि क्या विपक्षी पार्टियों से सलाह लेकर ही सरकार विशेष सत्र बुलाती है या नहीं, तो संसद का सामान्य सत्र या विशेष सत्र बुलाने का फैसला सरकार खुद करती है। विपक्ष से राय लेने या पूछने जैसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। पिछले कुछ सालों में सरकारों ने राजनीतिक और विधायी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने हिसाब से सत्र की तारीख में बदलाव किए हैं। अगर हम पिछले सालों की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में संसद की बैठकों के दिनों में भी गिरावट आई है। संसद के पहले दो दशकों के दौरान एक साल में लोकसभा की औसतन बैठकें 120 दिन से ज़्यादा होती थी। पिछले दशक में यह घटकर लगभग 70 हो गई है। अब हम बात करेंगे कि क्या संविधान सभा में भी संसद सत्र के समय पर विवाद हुआ था, तो भारतीय संविधान के अनुसार दो संसदीय सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि बजट सत्र 15 मार्च को ख़त्म होता है तो मानसून सत्र 15 सितंबर से पहले शुरू हो जाना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने इसे अंग्रेज़ों के बनाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। इस नियम के अनुसार दो सत्रों के बीच का समय 12 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता था। संविधान सभा की बैठक के दौरान संसद की कार्यवाही और समय अंतराल को लेकर सदस्यों के बीच कई मतभेद थे। कुछ चाहते थे कि भारतीय संसद अमेरिका और ब्रिटेन की तरह लंबे समय तक काम करे। इन देशों में एक साल में संसद 100 से ज़्यादा दिनों तक चलती है। वहीं कुछ सदस्य चाहते थे कि संसद छोटे छोटे ब्रेक के बाद साल भर चलती रहे, लेकिन अंत में तय हुआ कि एक निश्चित समय अंतराल पर ही संसद की कार्यवाही चलेगी। इसके साथ ही आज का हमारा ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।